नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों सी भर्ती से संबंधित आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन वो सुनवाई न होने पर युवाओं ने बताई अपनी असलियत हरियाणा के युवाओं ने यह क्या कर दिया हरियाणा सरकार शुद्ध लोइन की ऐसा क्या कर दिया और क्या क्या हो रहा है हरियाणा में बहुत सारे साथियों के सेम सेम कमेंट आ रहे हैं कंप्लीट डिटेल जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और इसको जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि ये बात सरकार के कानों तक ज़रूर पहुँच सके तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा सीटी एग्ज़ाम जो कि आपको पता है पिछले साल नवंबर में हुआ था जनवरी में इसका रिज़ल्ट आ गया था और सुनने में यह आ रहा था उस टाइम चेयरमैन साहब ने यह बोला था कि फरवरी या मार्च में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और हम अप्रैल मई या जून तक सबको नौकरी दे देंगे फिर उसके बाद ये अप्रैल पे गया मई पे गया जून पे गया जुलाई पे गया करते करते ये अगस्त पे आ गया अगस्त में आपकी एग्जाम डेट एक बार जुलाई में भी एग्ज़ाम डेट दी थी लेकिन वो फिर आगे बढ़ा दी गई थी अगस्त में एग्जाम डेट दी उसके ऊपर क्या हुआ कोर्ट केस हो गया ये सारी चीज़ें वैसे आपको पता है मैं थोड़ा याद दिलवा रहा हूँ कोर्ट केस हो गया था अब क्या था सब साथियों को ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन नज़दीक है पीछे तो जो हो गया जो हो गया अब क्या है एच जल्दी में सारे काम करवाएगी क्योंकि उस दिन रातों रात कोर्ट खुलवा लिए थे तो अब सबको लग रहा था कि बहुत जल्दी अभी सारे काम होने वाले हैं और एच एग्ज़ाम की परमिशन ले लेगी इन सब चीज़ों को देखते हुए अब युवाओं ने क्या क्या कर दिया ये देखिए कम से कम भी मेरे पास सौ से डेढ़ ऐसे कमेंट आ रखे हैं आप चैनल पर जाके मैंने एक पोस्ट डाल रखी उसकी जो कमेंट है वो जाके देख भी सकते जिसको विश्वास नहीं है और उसमें से ऑलमोस्ट कमेंट क्या है कोई कह रहा जी मैं बीस हज़ार की प्राइवेट नौकरी कर रहा था मैंने एच एस सी की भर्ती के कारण वो छोड़ दी कोई कह रहा है अठारह हज़ार की कर रहा था कोई पंद्रह की कर रहा था तीस की कर रहा था कोई दस की कोई कोई मतलब कोई सीधा ही बता रहा है मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था और उसका कारण क्या था सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा कारण क्या आ रहे हैं कि जो बारह ग्रुप के लिए एच एस सी ने सबके पास मैसेज भेजे थे तो उनको विश्वास हो गया कि तुम चार गुणा में तो हो यानी कि सी टी क्वालिफाई हो रखा है और चार गुणा में नंबर आ रखा है और उनको विश्वास हो गया था कि अभी तुम्हें बहुत जल्दी नौकरी मिल सकती है और वो ऐसा कोई भी होगा तो करेगा मान लो सोचने की बात ये है कि मान लो मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारा चार गुणा में नंबर आ रखा है और इनके अंदर चार गुणा कैंडिडेट ही नहीं है और अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो हमें सरकारी नौकरी मिल सकती है और जो साथी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन सबको पता है नहीं पता है तो आप जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उनसे पूछ लेना कि प्राइवेट जॉब कैसी होती है तो वो खुद परेशान रहते हैं वो खुद चाहते हैं कि जल्दी से हमें सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो खुद ये सोच रहे हैं कि जैसे मिल जाए मान लो उसको भरोसा हो गया तो उन्होंने क्या काम किया उस नौकरी को छोड़ के और तैयारी में जुट गए तीन तीन चार चार महीने से मान लो ये मैसेज भेजे गए थे जून के लास्ट में जून जुलाई अगस्त सितंबर अब तीन से चार महीने हो गए उनको नौकरी छोड़े हुए अब वो ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ भी वापस नहीं लेंगे जहाँ से हमने नौकरी छोड़ दी है और यहाँ भी कोई आस उम्मीद नहीं दिख रही है अब ये पता ही नहीं है कि कब जो है एग्ज़ाम होंगे होंगे या नहीं होंगे क्या होगा और आपको पता ही है मान लो अगर गवर्नमेंट बदल जाती है तो आगे इन भर्ती का क्या होना है क्या नहीं होना है और सेम रहती है तो ये क्या करेंगे वो आपको पता ही है और अभी अगली सुनवाई का भी कोई पता नहीं है कब सुनवाई होगी कब एच एस एक्शन लेगी और सुनवाई होने के बाद मान लो इनको परमिशन मिल जाती है तो फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि इक्कीस दिन इनको एग्ज़ाम लेने के लिए भी चाहिए तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि अभी जो है उम्मीद बहुत कम रह गई है तो बहुत सारे साथियों के साथ युवाओं के साथ एच ने धोखा किया है और या तो इनको पहले ही बता देना चाहिए था कि एग्ज़ाम नहीं होगा कम से कम जो कर रहे हैं वो काम धंधा तो करते रहते और जिन्होंने नौकरी नहीं भी छोड़ी है तो एक बात बताओ सोचने की बात यह है कि दो उन्नीस से ये सब चीज़ें चल रही है और 2021 से तो फार्म भर के बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रहा है ये सी और बहुत सारे साथी दो दो तीन तीन साल से अगर लाइब्रेरी में या कहीं पे भी कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे हैं तो एक तो वो ख़र्चा लगा रहे हैं फीस दे रहे हैं वहाँ पे दूसरा अगर वो तैयारी करने के बजाय कहीं जॉब करते ज़्यादा नहीं कम से कम दस बारह पंद्रह की भी करते तो भी वो आराम से डेढ़ दो लाख रुपये मही साल के कमा लेते अब ऊपर से ये ये कह रहे हैं कि आपकी इनकम वेरिफिकेशन की जाएगी इनकम तो आपने दो तीन साल से ज़ीरो करी रखी है वेरिफिकेशन क्या रह गया ये बताओ ये सोचने की बात है जो युवा झेल रहा है इसको उसको पता है बाकी जो आगे पीछे कोई भी बात है कुछ भी बना सकता है तो उसमें कुछ भी नहीं हो सकता और एच की वजह से ही इतने युवाओं के अंदर गुट बने हुए हैं कोई कहता है पेपर कैंसिल हो जाए कोई कहता है कैंसिल ना हो कोई कहता है सी ई कैंसिल हो जाए कोई कहता है एग्जाम ही नहीं होने चाहिए कोई कहता है क्वालीफाई हो जाए कोई कुछ कोई कुछ अगर एचएससी सही तरीके से प्रोसेस से करती तो ना तो कोई गुट बनते ना कोई आवाज़ उठाता ना आपस में ये होता सब कुछ गलती फ़िलहाल मुझे तो हरियाणा सरकार या एच की लग रही है कुछ साथी बीच में ये भी कमेंट करते हैं जी आप सरकार के बारे में ऐसी बातें क्यों बोलते हो कुछ साथियों ने कमेंट भी किया था कि आप सरकार को सपोर्ट करो ये सब कुछ कर देंगे हमारे और तुम्हारे सपोर्ट करने से सरकार आपको पता है कोई छोटे मोटे यूट्यूब पे थोड़ी देखती है जो थोड़ा सा सपोर्ट करने पे मान लो हम सपोर्ट करेंगे और वो एग्ज़ाम ले लेगा अगर हमारे सपोर्ट करने से एग्ज़ाम लेते हैं तो बताओ मैं कल से जो आपको होगी वो चीज़ कर सकता हूँ बहुत बड़ी दिक्कत है बार बार कमेंट आ रहे थे साथियों के तो इसलिए वीडियो बनाई है आप भी अपनी बताएं राय कि आप भी कहीं जॉब कर रहे थे या नहीं कर रहे थे सी की वजह से क्या लॉस हुआ है क्या हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें